विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन भारतीय सिंधु सभा की ओर से 10 और 11 अगस्त को सीतापेटी स्थित विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के हिंदी मोर भवन में विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा इनके द्वारा दी गयी। पत्र परिषद में घनश्याम कुकरेजा, तुलसी सेठिया, किशोर लालवानी, पेसुराम दारा, नारायण आहूजा आदि उपस्थित थे। दो दिवसीय सिंधी साहित्य सम्मेलन में हजारों सिंधी समुदाय के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार भाग लेंगे। स्थानीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के साथ ही राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद भारतीय सिंधु सभा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी होगी। इसमें मुख्य रूप से 10 अगस्त को शाम 6:30 बजे विभाजन की भयावहता पर चर्चा होगी। इसके अलावा विभाजन की भयावहता पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक नृत्य छेद से होगी और देशभक्ति नृत्य और सिंधी संस्कृति पर आधारित पारंपरिक कार्यक्रम होगा। विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 65 साल पहले 1959 में नागपुर में सिंधी साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद अब सम्मेलन दोबारा हो रहा है, ऐसा कुकरेजा ने बताया। नागपुर के अंदर में विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन, इसका आयोजन भारतीय सिंधु सभा के माध्यम से आने वाले 10 और 11 अगस्त को हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पूर्व यह साहित्य सम्मेलन 1958 में लगभग 65 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद में नागपुर में इतना बड़ा आयोजन आज 65 साल के बाद में होने जा रहा है, जिसके अंदर में 10 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए हैं, 11 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के हाथ से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके अंदर में सिंधी समाज की जो पुरानी इंडस सिविलाइजेशन है, हमारी साहित्य है, हमारा संस्कार है, हमारी भाषा है, इन सबको किस तरीके से बढ़ावा मिल सके उसको ध्यान में रखते हुए 3 सत्रों का आयोजन किया गया है। भाषा और संस्कृति को बढ़ाना और नौजवानों को समाज के साथ जोड़ना, आने वाले जो हमारे भविष्य के जो हमारे नौजवान हैं उनको किस तरीके से सामाजिक दायित्व देना, उसको किस तरीके से उसके साथ जोड़ना, यह उसके अंदर का बेसिक कार्य रहता है। और इस पूरे सेमिनार के अंदर में देश भर से बहुत ही उत्साहित तरीके से सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि इस सेमिनार का बहुत अच्छा फायदा होगा और लोग अपने अपने अन्य अन्य विषय लेकर इस सेमिनार के अंदर में आने वाले हैं। सम्मेलन के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जबलपुर विधायक अशोक रूहानी और शदानी दरबार संत युधिष्ठिर लाल उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दोपहर 12 बजे पहला सत्र डॉक्टर विनोद आसुदानी की अध्यक्षता में होगा। इस अवसर पर डॉक्टर कमला गोकलानी, संध्या कुंदनानी उल्लासनगर, सुनीता लुल्ला शोध निबंध पढ़ेगी। तो वही विश्व सिंधी साहित्य सम्मेलन के दूसरे सत्र में दोपहर 2:30 बजे युवा पीढ़ी को अध्यात्म और सिंधी साहित्य से कैसे जुड़ना, इस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। शाम 5:30 बजे सम्मेलन का समापन होगा। बैठक में 2 दिन सिंधु संस्कृति की झलक दिखेगी। इस अवसर पर सिंधी लेखकों की पुस्तकों का स्टॉल भी लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।